हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल ड्रीमर्स पर। दोस्तों, सबसे पहले तो जो लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो साइड में बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो भी हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियोज होती है, हमारी ट्रिक की वीडियोज होती है, उनका जो नोटिफिकेशन है आपको डेली बेसिस पर मिलता रहेगा। इस वीडियो में आज आपके लिए 22 जून 2020 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको तो पता ही है कि अगर आपने पहले कभी गवर्नमेंट एग्जाम दिया हुआ है तो सभी गवर्नमेंट एग्जाम में दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। आपको पता होगा 5 से 6 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं अपने स्कोर बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जो भी स्टूडेंट है कोई 1-2 नंबर से रह जाते हैं एग्जाम के लिए होने से। तो दोस्तों करंट अफेयर क्वेश्चन भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वीडियो को साथ बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपको देखना है, और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करना है। वीडियो को शेयर जरूर करें, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है आपके चैनल है वहां पे जाके वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में कि यहाँ पे ऐसे ऐसे सर पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छी वीडियो है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां पे पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे चैनल की एक खास बात यह है कि जो हमारे कल क्वेश्चन थे एक बार हम पहले उनको रिवाइज करते हैं और उसके बाद आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। रिवाइज करना दोस्तों बहुत ही अच्छी बात होती है, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाए अच्छी तरीके से। चलते दोस्तों पहले रिविजन कर लेते हैं कल क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? ये कब मनाया गया? ये मनाया गया है 20 जून को। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने ये दी है दोस्तों? उत्तर प्रदेश सरकार ने। और दोस्तों जो ये क्वेश्चन हम रिवाइज कर रहे हैं इनकी सभी की स्टेटिक जीके आपको कल वाली वीडियो में मिलेगी, आप जाके कल वाली वीडियो चेक करिए, वहां पे देखिए सभी क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में NIPFP के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? किसको? उर्जित पटेल को। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है? ये किस राज्य सरकार ने लगाया है? ये लगाया है मध्य प्रदेश सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में VP R. विट्ठल का निधन हुआ, वे कौन थे? दोस्तों वे थे एक अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में BMW इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसको? विक्रम पहावा को। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में R&D पोर्टल सत्यभामा किसने लॉन्च किया है? ये किसने किया है दोस्तों? प्रहलाद जोशी ने, जो कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और दोस्तों जो सत्यभामा, इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप देख सकते हैं, प्लीज इसको नोट कर लेंगे, मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में TS वेदर नामक मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च की गई है? ये की गई है तेलंगाना स्टेट में। और TS वेदर ऐप दोस्तों ये है कि जो आपको, जो आपके किसान है, जो भी किसान है, और जो वेदर होता है, जो कि जलवायु होती है हमारी, उसको पहले से ही बता देना कि अब बारिश होने वाली है, ऐसा मौसम रहेगा, तो दोस्तों जिससे कि किसानों को पहले ही चेतावनी मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की योजना शुरू की है? किस राज्य ने? मिजोरम ने। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। हाल ही में क्लारा एंड द सन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है काजुओ इशिगुरो ने, जिसके राइटर है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? किसको बनाया? सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में ATMA मशीन किस रेलवे स्टेशन पर लगाई गई है? ये लगाई गई है दोस्तों नागपुर में, नागपुर रेलवे स्टेशन पर। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महास्वयं नामक पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने किया है? यह किया है महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसे मिला है? किसको मिला है? अमर्त्य सेन को। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कुबाट बेक बोरोनो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? किसके? ये बने हैं किर्गिस्तान के। चलते आगे बढ़ते वीडियो में, आई होप आपको वीडियो समझ अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके, और वीडियो को शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन है जो कि हमने रिवाइज कर लिए, आई होप आपकी अच्छी समझ में आ गए होंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, चलते क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? ये कब मनाया गया, ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, 15 जून को, 21 जून को, 16 जून को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो जाएगा 21 जून, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे था वो कब मनाया गया था, तो दोस्तों वो मनाया गया था 2015 में। और दोस्तों जो 2020 में मनाया गया है 21 जून को, जो कि कल मनाया गया था, इसकी जो थीम रही यानी कि विषय रहा 2020 में, इसका विषय क्या रहा, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। योगा फॉर हेल्थ, आप प्लीज इसको नोट कर लेंगे, ये विषय है 2020 के अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस का, योगा फॉर हेल्थ। तो दोस्तों विषय क्या रहा, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम, ये इसका विषय रहा 2020 में। और दोस्तों एक कंफ्यूजन ये रहती है कि जो इंटरनेशनल डे होते हैं, एक होता है वर्ल्ड डे, एक होते हैं नेशनल डे। जो इंटरनेशनल डे होते हैं दोस्तों वो मनाए जाते हैं एक से ज्यादा देशों में, लेकिन जो वर्ल्ड डे होते हैं ये सभी देशों में मनाए जाते हैं, और जो नेशनल डे होते हैं वो किसी भी एक पर्टिकुलर देश में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या रही, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। आई होप आपके समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, हाल ही में केन्या ने किस देश को हराकर यूएनएससी में अफ्रीकी सीट जीती है? तो दोस्तों किस देश को हराकर, ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, मोरक्को को, जिबूती को, सूडान को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा जिबूती, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, केन्या ने जिबूती को हराकर यूएनएससी में एक अफ्रीकन सीट जीती है। और दोस्तों यूएनएससी की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आई होप आपको इसके बारे में पता होगा। तो दोस्तों जो जिबूती है उसकी जो कैपिटल है, कैपिटल भी जिबूती ही है, जो जिबूती की कैपिटल है वो जिबूती ही है। और जो करेंसी है ये आपको याद रखना है, इसको प्लीज नोट कर लेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिबूती इसकी कैपिटल है जिबूती की, और जो करेंसी है उसका नाम है फ्रैंक, जिबूतियन फ्रैंक, ये आप इसको नोट कर लेंगे, जिबूतियन फ्रैंक इसकी करेंसी है। और जो वहां के प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, आईओ गुलेहे, आईओ गुलेहे, ये जिबूती के दोस्तों प्रेसिडेंट का नाम है, ये भी आप नोट कर लेंगे, ये दोस्तों प्रेसिडेंट का नाम है। और दोस्तों अब आपको पता होना चाहिए कि जो केनिया है, केनिया की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, जो केनिया है, केनिया की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, निरोमई, एन निरोमी, ये दोस्तों केनिया की कैपिटल है। और दोस्तों एक बात आपको पता होगा, जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है उसका जो हेडक्वार्टर है वो नेरोमी है, नेरोमी में है, नेशनल यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो नेरोमी में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताए, इनके आपको बारे में, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, यूएनईपी ये आपको पता होना चाहिए, प्लीज आपने इनको नोट कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ऑप्शन नंबर बी जिबूती इसका राइट आंसर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर, क्वेश्चन नंबर थ्री मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एक बुक का नाम है, हाल ही में लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है यानी कि इसके राइटर कौन है, ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, चेतन भगत, प्रेरणा जोशी, अमीश त्रिपाठी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह है बुक, आप देख सकते हैं, सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये बुक का नाम है, और ये किसने लिखी है, ये लिखी है अमीश त्रिपाठी ने, ये इसके राइटर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये बुक का नाम आप वहां पे लिख लेंगे जहां पे आपने सभी बुक के नाम लिखे हुए हैं, जो मैं आपको बताता हूँ कि सभी कैटेगरी वाइज क्वेश्चन लिख लेंगे आप, बुक के नाम एक जगह है, सभी पोर्टल के नाम एक जगह है, सभी ऐप के नाम एक जगह है, सभी योजनाओं के नाम एक जगह है। तो इस बुक का नाम आप वहां पे लिखिए जहां पे आपने सभी बुकों के नाम लिखे हुए हैं। तो बुक का नाम क्या है, लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, और इसके राइटर कौन है, अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आते हैं फोर पे, क्वेश्चन नंबर फोर, हाल ही में विद्या बेन साहा का निधन हुआ, वे कौन थी? ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, वो एक लेखक थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, गायक थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक कार्यकर्ता, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्या बेन एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, सोशल एक्टिविस्ट, विद्या बेन कौन थी, ये थी एक सोशल एक्टिविस्ट, और दोस्तों ये है विद्या बेन साहा, आप देख सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर फाइव पर, क्वेश्चन
नंबर फाइव, हाल ही में किस देश को चीन को निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है? तो दोस्तों ये किस देश को हुई है सुविधा प्राप्त? बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो बांग्लादेश है उसकी कैपिटल नाम क्या है, यानी कि राजधानी का नाम क्या है बांग्लादेश की? ढाका। और जो वहां की करेंसी है ढाका इसकी बांग्लादेश की, वो है टका। और दोस्तों दुनिया का पहला देश जो बांग्लादेश है जिसने कोरोना वायरस मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया था, यानी कि एआई का यूज किया था बांग्लादेश ने कोरोना के मैनेजमेंट के लिए। और जो प्रेसिडेंट है इसके बांग्लादेश के, उनका नाम क्या है? अब्दुल हामिद। ये वहां के प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के। और जो प्राइम मिनिस्टर है आपको पता होगा शेख हसीना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने सभी चीजों को नोट भी कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों बांग्लादेश और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रति एक्सरसाइज, ये भी आप नोट कर लेंगे, क्योंकि जब भी बांग्लादेश का नाम आता है मैं आपको बता देता हूं कि एक्सरसाइज जो भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है वो होती है संप्रति एक्सरसाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध को कितने महीने बढ़ा दिया है? कितने महीने? 3 महीने, 10 महीने, 6 महीने, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएमसी बैंक पर दोस्तों आरबीआई ने 6 महीने तक प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। और पीएमसी की फुल फॉर्म क्या है? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है पीएमसी बैंक की, इसको भी आप नोट कर लें क्योंकि ऐसी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। और दोस्तों इसमें क्या था कि जो पीएमसी बैंक था इसमें 50,000 रुपये तक आप निकाल सकते थे, लेकिन दोस्तों अब उसकी जो सीमा है वो 1 लाख तक कर दी गई है। और दोस्तों जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में आरबीआई का। और जो आरबीआई के गवर्नर है उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इसके गवर्नर का नाम है, जो कि 25वें गवर्नर है। चलते क्वेश्चन नंबर सेवन पर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट भी कर लिया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं उनके उनको इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर करें। चलते क्वेश्चन नंबर सेवन पर। क्वेश्चन नंबर सेवन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने, पश्चिम बंगाल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो ओला इमरजेंसी सेवा है इसमें क्या होगा? तो दोस्तों जो तमिलनाडु के हॉस्पिटल है, जो जितने भी हॉस्पिटल है तमिलनाडु में उनकी जो मैपिंग की गई है वो की गई है ओला ऐप पर। और जितने भी नॉन कोविड पेशेंट है, यानी कि जो जिनको कोरोना नहीं है, जिनको जो कोरोना पॉजिटिव नहीं है और दोस्तों वैसे ही बीमार है किसी और बीमारी से, तो दोस्तों वे ओला बुक कर सकते हैं और हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए दोस्तों ओला इमरजेंसी सेवा की शुरुआत की गई है कहां पे? तमिलनाडु में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर। क्वेश्चन नंबर एट, हाल ही में 19वां महान जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया गया है? किस राज्य में? मिजोरम में, मणिपुर में, हरियाणा में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा मणिपुर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में। हर साल 18 जून को, 18 जून को हर साल महान जून विद्रोह दिवस मनाया जाता है और ये 19वां है। और दोस्तों ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 18 जून को 2001 में, 18 जून को पुलिस के साथ कुछ टकराव हो गया था, उसमें 18 लोग मारे गए थे। इनको श्रद्धांजलि और याद करने के लिए हर साल 18 जून को मणिपुर इस दिवस को मनाती है। कौन से को? महान जून विद्रोह दिवस को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर है मणिपुर। और मणिपुर की जो कैपिटल है उसकी उसका नाम क्या है? इम्फाल। और जो मणिपुर के जो गवर्नर है, जो प्रेसिडेंट, ये सॉरी चीफ मिनिस्टर, का नाम क्या है? एनविरेन सिंह। और जो वहां के गवर्नर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला यहाँ के गवर्नर का नाम है, इसको भी आप नोट कर लेंगे।
चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, आपने इनको नोट भी कर लिया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है? किस देश से? अमेरिका से, रूस से, जापान से या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा रूस, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने रूस से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है, क्योंकि दोस्तों भारत और चाइना के बीच में जो टेंशन बढ़ गई है बॉर्डर को लेके, उस चीज को देखते हुए भारत ने 12 सुखोई विमान खरीदने का निर्णय लिया है। किससे? रूस से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जो भी स्टूडेंट आज नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में IADB की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? कितने प्रतिशत? 1.9%, 2.4%, 0.1% या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा 0.1%, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? ये रिपोर्ट जारी की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, यानी कि एडीबी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। थोड़ा एडीबी के बारे में पढ़ लेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? फिलीपींस में है, जो कि मंडलायुंग में है। और इसके जो प्रेसिडेंट है हाल ही में उनका नाम क्या है? मात्सुगु अस्कावा। ये दोस्तों प्रेसिडेंट है किसके? एडीबी के। मैंने दोस्तों बहुत बार इस बारे में बताया है एडीबी के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, और दोस्तों बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी स्टूडेंट आज नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और चैनल को वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने COVID-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया है? ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, किसने विकसित किया है? IIT दिल्ली ने, IIT पलक्कड़ ने, IIT कानपुर ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो जाएगा IIT पलक्कड़, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो IIT पलक्कड़ है किस स्टेट में है? ये पड़ता है दोस्तों केरला में, इसको भी आप नोट कर लेंगे। और दोस्तों जो अल्ट्रासाउंड विकसित किया है इसमें क्या होगा? इसमें दोस्तों जो हमारे फेफड़े हैं उनका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, फेफड़ों का अल्ट्रासाउंड होगा इसमें, जो हमारे लंग्स होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो कोरोना है वो कहां से शुरू हुआ, उसमें जो दिक्कत आती है वो हमारे फेफड़ों में दिक्कत आती है। जैसे कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है उसके फेफड़ों में प्रॉब्लम आती है, तो दोस्तों उस चीज को देखते हुए फेफड़ों का अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। और ये किसने विकसित किया है? ये किया है IIT पलक्कड़ ने, जो कि केरला में पड़ता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य में अमेजोन को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी मिली है? तो दोस्तों ये किस राज्य में मिली है? दिल्ली में, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पश्चिम बंगाल में दोस्तों मंजूरी मिल गई है किसकी? शराब को होम डिलीवरी की मंजूरी मिल गई है। और कोई एक ये डिलीवरी कौन करेगा? ये करेगा अमेजोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और दोस्तों जो वेस्ट बंगाल है उसकी जो राजधानी है उसका नाम क्या है? कोलकाता। और जो कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता। और जो वहां के गवर्नर है उनका नाम क्या है? जगदीप धनकर। और जो वेस्ट बंगाल की स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। और जो वहां के कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी है, सुंदरवन नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, नरोरा वैली नेशनल पार्क, जलदापारा नेशनल पार्क, और दोस्तों सिंगालिया नेशनल पार्क, ये भी आपको पता होगा, मैंने बार बार इस वीडियो में बताया हुआ है अगर पश्चिम बंगाल की बात आती है किसी भी वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। क्वेश्चन नंबर 13, फोर्ब्स की टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में कौन शामिल हुआ है? कौन शामिल हुआ है? लक्ष्मी मित्तल, मुकेश अंबानी, रतन टाटा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुकेश अंबानी का इसमें 9वां स्थान रहा, 9th पोजीशन पर रहे पूरे वर्ल्ड में, भारत में सॉरी पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 100 ये टॉप 10 लिस्ट आई है फोर्ब्स की, इसमें 9th नंबर पर है मुकेश अंबानी पर। और जो फर्स्ट नंबर पर दोस्तों वो है जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के CEO एंड फाउंडर है, ये है फर्स्ट नंबर पर। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुकेश अंबानी इसका राइट आंसर है, भारत के जो
मुकेश अंबानी है वो 90वें स्थान पर है फोर्ब्स की टॉप 10 लिस्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश ने कोविड वॉर्न ऐप लॉन्च की है? ये किस देश ने की है, जापान ने, मोरक्को ने, जर्मनी ने या फिर इटली ने? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये ऐप क्या है, ये दोस्तों ये ऐप सॉरी ये ब्लूटूथ से ऑपरेट होगा। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है और आपके कॉन्टेक्ट में आता है तो ये ऐप आपको पहले ही वार्न कर देगी, यानी कि आपको चेतावनी दे देगी पहले ही ये ऐप। और दोस्तों जो जर्मनी है इसकी जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, राजधानी का नाम वो है बर्लिन। बर्लिन कैपिटल है किसकी, जर्मनी की। और जो यूरो है ये है करेंसी, यूरो करेंसी है, EUR। और जो वहां के प्रेसिडेंट है उनका नाम है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर, फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर, ये दोस्तों वहां के प्रेसिडेंट है किसके, जर्मनी के। और दोस्तों एक जो ब्रेसलेट विकसित किया था इटली ने, मैं आपको बता देता हूं, एक ब्रेसलेट इटली ने विकसित किया था उसका नाम था आई फील यू। एक ब्रेसलेट था जो कि इटली ने विकसित किया था, इटली ने विकसित किया था उसका नाम था आई फील यू। इसमें दोस्तों क्या था कि ये रेडियो जो फ्रीक्वेंसी है उस पे ऑपरेट करता था, और अगर आपके कोई कॉन्टेक्ट में आता था कोरोना पॉजिटिव तो वो आपको वो जो वाइब जो ब्रेसलेट था वो वाइब्रेट होने लगता था, जिससे कि आपको पता लग जाता था कि कोई मेरे कॉन्टेक्ट में आ रहा है। ये इटली ने विकसित किया था और जर्मनी ने विकसित की है ऐप कोविड वार्न ऐप। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर, ये दोस्तों वहां के प्राइम मिनिस्टर है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, बढ़ते आगे। दोस्तों कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सभी फ्रेंड्स ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, हाल ही में कहां एयर वेंटी ऐप लॉन्च की गई है, ये कहां पे की गई थी, नई दिल्ली में, मुंबई में, भोपाल में। तो इसका राइट आंसर था मुंबई, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी था इसका राइट आंसर था। सभी स्टूडेंट ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आंसर देते हैं, और दोस्तों अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल आपके सभी एग्जाम आने ही वाले हैं, अच्छे से पढ़िए बिल्कुल, क्योंकि करंट अफेयर का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 5 से 6 क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आते ही आते हैं। सभी कमेंट में पढ़ता भी हूँ, उनका रिप्लाई भी करता हूँ। बढ़ते आगे, आज का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, आज का क्वेश्चन क्या है। तो आज का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षा पर प्रतिबंध लगाया है, ये किस राज्य सरकार ने लगाया है, तो ये किस राज्य सरकार ने लगाया है, ऑप्शन देख लेते हैं, दिल्ली ने, गुजरात ने, मध्य प्रदेश ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, आपके सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और बिल्कुल राइट राइट आपको कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी। और जो स्टूडेंट आज नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस वीडियो का जो PDF लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां पे PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर जरूर करना है दोस्तों। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।